अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम दिखाएंगे आपको गांव में गंदम की कटाई, क्योंकि आजकल सीज़न गंदम की कटाई का चल रहा है, तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे सारा प्रोसेस। जी, तकरीबन 5 साल बाद हमने दोबारा से अपनी इन ज़मीनों की जो है फसल की कटाई शुरू की है। इससे पहले ठेके पे दे दिया था, लेकिन अब जो है वो खुद ही कर रहे हैं। तो तकरीबन कटाई मुकम्मल होने वाली है। मेरे साथ जो दूसरे लोग हैं वो तकरीबन अपनी गंदम की कटाई मुकम्मल कर चुके हैं। इसके बाद इसको इकट्ठा किया जाएगा, और इकट्ठा करने के बाद जो है वो थ्रेशर में डाला जाएगा। वो प्रोसेस भी इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करूँगा। इस ज़मीन के बाद जो है वो हमारी दूसरी ज़मीन है, जिसकी फसल अभी तैयार नहीं हुई है। वो तकरीबन 2 से 5 दिनों के दरमियान, यानी कि हफ्ता लग जाएगा, वो भी तैयार हो जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है, इस दफ़ा फसल बहुत ही अच्छी मिली है। अभी बारिशों का समय है, कोशिश है हमारी कि बारिशों से पहले पहले हम अपना काम मुकम्मल कर लें। ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये गंदम को इकट्ठा करके बांधने का है, जिसे हम अपनी ज़बान में ये सुबी कहते हैं, जिससे इस गट्ठे को बांधा जाता है। और इसके बाद ये जो है गंदम के जो तीले होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, इर्द गिर्द बिखरते नहीं हैं। इसके बाद हम इसको उठा के थ्रेशर में डालेंगे। मेरा सिर्फ यही काम है कि मैं इस तरह से बना के इसको इकट्ठा करता हूँ, बाकी जो है वो काटने में मसरूफ़ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये सारे प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। आज का व्लॉग ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं है, बल्कि एक नेचुरल व्लॉग है, जो कि मैंने कहा दिखा दूँ। इसके साथ साथ ये खूबसूरत नज़ारे जो कि मेरे गांव के हैं, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, आपसे शेयर भी कर दूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। इन खूबसूरत नज़ारों के साथ एक लाइक तो बनता है ना। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो सके और मैं आपके लिए और भी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अभी जो है ये फसल इकट्ठी हो चुकी है, अब इसको थ्रेशर में डालेंगे। लेकिन थ्रेशर में डालने से पहले इसको एक दो धूप लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी गीली है। जब से खुश्क हो जाएगी तो उसको थ्रेशर में डाल के इसके दाने और भूसा अलग अलग कर लिया जाएगा।